एक स्विट्जरलैंड में रहने वाली महिला हमारे वृंदावन में कभी कभी आती थी तो हमारे आश्रम में रहती थी। एक बार कार्तिक में उसने रहा और जब वो वापस जा रही थी तो गलती से उसके बैग में एक छोटी सी छिपकली चली गई। बैग में घुस जाती है ना, भारत में तो होती है, यहाँ तो सब। उसने पैक किया तो अब छिपकली में ताकत होती है, वो जिंदा रही तो वो पहुंच गई। पता नहीं क्यों चेकिंग में भी नहीं पकड़ में आया, जो भी कारण रहा होगा। जब वो अपने 10 घंटा बाद घर पहुंची ज्यूरिख में, हम जानते हैं उसको अभी भी मौजूद है, पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात है। उसने बैग खोला तो उसमें से छिपकली निकली। प्रभुपाद जी की भक्त है, स्कॉन की वैष्णवी है, तो उसने छिपकली निकली तो वो एकदम घबरा गई और तुरंत उसके मन में क्या भाव आया, अरे 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 ये वृंदावन की छिपकली मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में ले आई, अरे वृंदावन में तो छिपकली भी राधा रानी की कृपा के बिना कोई नहीं बन सकता। मैंने कितना बड़ा अपराध किया, कितना बड़ा पाप किया, क्या करूं मैं। उसी समय अपनी माँ को बुलाया, बड़ी दूर रहती थी, डॉक्टर से पूछा, इंटरनेट पे देखा इसको क्या खिलावे मारे हम, वो तो कोई घबरावे। वो घर में घूमने लगी, उसको कुछ खाने के लिए ड्राई फ्रूट दिए तो छिपकली तो न ड्राई खावे न फ्रूट खावे, वो तो उसका ड्राई फ्रूट तो दूसरा ही है, अब दूसरे जीव को कैसे मारे। तो डॉक्टर ने उसको जो भी कुछ देना था वेटनरी में करके उसको अच्छे से सील किया, उसने परमिशन ली। उसी समय 5-6 घंटा ये तैयारी करके ऑनलाइन परमिशन लेके फिर से हवाई अड्डे गई। मैं जानता हूँ, साक्षी, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तुरंत टिकट ली जाए तो कितनी महंगी होती है, कम से कम 8-9 लाख रुपया की हवाई अड्डे पर दोस्तों से पैसा लेके टिकट खरीदी एक दिन रुकने की। वहां से आई वापस दिल्ली, आज पहुंची थी, फिर सुबह आ गई गाड़ी लेके वृंदावन आई। हम सब लोग चौंक गए, उसी कमरा में गई, ढक्कन खोला, छिपकली को निकाला, वो दौड़ करके दीवार पर चढ़ गई, कमरा में रो रो करके नाची, हे राधा रानी तेने मेरी लाज बचा ली, अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर वृंदावन में घुसने लायक नहीं रहती, आज ये जीवित ब्रजवासी वापस आ गई, इससे बड़े मेरे जीवन की क्या उपलब्धि हो सकती है। रो रो के राधा रमण के सामने नृत्य किया, अगले दिन फिर से हवाई जहाज लेके वापस चली गई। ऐसे ऐसे वो दिग्गज वैष्णव आज बड़े बड़े भारतीय अपने आप को हिंदू कहने वालों को धोती तिलक पहनने में, तिलक करने में शर्म आती है, बड़े बड़े यूरोपियन और अमेरिकन्स को धोती और चुटिया पहना दी, तिलक लगा दिया, सर्दी में 4-4 बजे यमुना स्नान करा दिया। ऐसी दिव्य ऐसी संस्था को इस कारण से ये बालक भी बार बार प्रणाम करता है।